हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल डिस्कस सम क्वेश्चंस ऑन कॉशीज रूट टेस्ट। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने किया था कॉशी रूट टेस्ट का प्रूफ, तो आज मैं डिस्कस करूंगा क्वेश्चंस ऑन कॉशी रूट टेस्ट। अब ये कैसे पता चले कि यहाँ पे कॉशी रूट टेस्ट लगाना है या कॉशी इंटीग्रल टेस्ट लगाना है या आगे चल के हम कुछ और टेस्ट करेंगे। कॉशी रूट टेस्ट का कैसे पता चलेगा कि अगर जो हमारा ए एन है, अगर उसमें पावर में किसी फैक्टर की पावर में एन का मल्टीपल हो, जैसे यहां पे एन स्क्वायर आ गया, एन आ गया, अगर टू एन आ जाए तो यहां पे हम क्या करेंगे, कॉशी रूट टेस्ट अप्लाई करेंगे। क्वेश्चंस आर डिस्कस द कन्वर्जेंस एंड और डाइवर्जेंस ऑफ द सीरीज समीशन एन ओवर एन प्लस वन होल स्क्वायर एंड सो ऑन। तो यहां पे हमने इन फॉलोइंग सीरीज का कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करनी है। तो सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो यहां पे मेरे पास ए एन की वैल्यू क्या है, एन ओवर एन प्लस वन रेस टू द पावर एन स्क्वायर। तो अब ए एन टू द पावर वन बाय एन किया, दैट इज एन ओवर एन प्लस वन एन स्क्वायर होल टू द पावर वन बाय एन, तो विच इज इक्वल टू एन ओवर एन प्लस वन होल टू द पावर एन। तो जब लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी किया ए एन टू द पावर वन बाय एन, विच इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एन ओवर एन प्लस वन टू द पावर एन, विच कैन बी रिटन एज एन प्लस वन ओवर एन होल टू द पावर एन, मीन्स लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वन टू द पावर एन वन, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया वन प्लस वन ओवर एन टू द पावर एन। वी नो दैट लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वन प्लस ए ओवर एन टू दी पावर एन इज इक्वल टू ई टू दी पावर ए। तो यहां पे इसको अगर मैं यहां पे कंपेयर करूं तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, वन, तो विच इज इक्वल टू वन ओवर इसकी वैल्यू आ गई ई। तो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन टू दी पावर वन बाय एन इज इक्वल टू वन ओवर ई। जैसा कि हमें पता है कि ई की वैल्यू ग्रेटर देन वन होती है, तो वन ओवर ई की वैल्यू क्या होगी, लेस देन वन। तो यहां से हमारे पास आ गया ये जो एल की वैल्यू आई ए एन टू दी पावर वन बाय एन लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये क्या आ गया, लेस देन वन। तो हमें पता है यूजिंग रूट टेस्ट अगर एल की वैल्यू लेस देन वन होगी तो जो हमारी गिवन सीरीज है वो क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। सो हेंस बाय रूट टेस्ट ए एन इज कन्वर्जेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ द सीरीज। यहां पे हमारे पास ए एन की वैल्यू वन प्लस वन ओवर स्क्वायर रूट एन होल टू द पावर माइनस एन टू द पावर थ्री बाय टू। जब ए एन टू द पावर वन बाय एन किया तो ये हमारे पास आ गया वन प्लस वन ओवर रूट एन रेस टू द पावर माइनस एन टू द पावर थ्री बाय टू ओवर वन बाय एन। तो ये हमारे पास आ गया वन प्लस वन बाय रूट एन टू द पावर माइनस एन टू द पावर वन बाय टू, मीन्स यहां पे हमारे पास आ गया माइनस के रूट एन इज इक्वल टू वन ओवर वन प्लस वन ओवर रूट एन टू द पावर स्क्वायर रूट एन। नाउ लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन टू द पावर वन बाय एन, विच इज इक्वल टू वन ओवर लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वन प्लस वन ओवर स्केयर रूट एन टू दी पावर स्केयर रूट एन। तो इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन, तो ये हमारे पास आ गया वन ओवर ई विच इज लेस देन वन। तो देयर फोर बाय कॉशी रूट टेस्ट जो समीशन ए एन आएगा वो क्या आएगा, कन्वर्जेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज। नाउ हेयर ए एन थर्ड पार्ट में हमारे पास ए एन की वैल्यू क्या है,
एन माइनस लॉग एन टू दी पावर एन डिवाइडेड में क्या है टू एन टू दी पावर एन मीन्स विच इज इक्वल टू एन माइनस लॉग एन ओवर टू एन होल टू दी पावर एन। तो जहां जब ए एन टू दी पावर वन बाय एन किया दैट इज एन माइनस लॉग एन डिवाइडेड बाय टू एन तो विच इज इक्वल टू वन ओवर टू माइनस लॉग एन ओवर टू एन। नाउ एज लिमिट एन अप्रोचेस इनफिनिटी ए एन टू दी पावर वन बाय एन लिमिट एन अप्रोचेस इनफिनिटी वन ओवर टू माइनस लॉग एन ओवर टू एन तो विच इज इक्वल टू वन बाय टू माइनस लिमिट एन अप्रोचेस इनफिनिटी लॉग एन ओवर टू एन। तो स्टूडेंट जब इसकी लिमिट वैल्यूएट करनी है तो ये हमारे पास क्या बन रही है इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म। तो जब भी यहां पे एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे देन दिस इज इक्वल टू वन ओवर टू माइनस यहां पे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया लिमिट एन अप्रोचेस इन्फिनिटी वन ओवर एन और डिनोमिनेटर में हमारे पास टू। तो जब लिमिट एन अप्रोचेस इन्फिनिटी किया यहां पे क्या आ गया हमारे पास जीरो तो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू वन ओवर टू माइनस जीरो विच इज इक्वल टू वन ओवर टू दैट इज लेस देन वन। तो देयरफॉर बाय कॉशी रूट टेस्ट समीशन ए एन हमारे पास क्या आ जाएगा कन्वर्जेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ पार्ट यहां पे हमारे पास ए एन की वैल्यू क्या है वन ओवर लॉग ऑफ लॉग एन टू दी पावर एन। तो जब ए एन टू दी पावर वन बाय एन किया दैट इज इक्वल टू यहां पे हमारे पास आ गया लॉग एन लॉग ऑफ लॉग एन एज लिमिट एन अप्रोचेस इनफिनिटी ए एन टू दी पावर वन बाय एन ये हमारे पास आ गया लिमिट एन अप्रोचेस इनफिनिटी वन ओवर लॉग ऑफ लॉग एन। जब एन अप्रोचेस इनफिनिटी किया यहां पे हमारे पास क्या आ रहा है डिनोमिनेटर में इनफिनिटी तो वन ओवर इनफिनिटी ये हमारे पास आ गया जीरो विच इज लेस देन वन। तो जब लेस देन वन आ गया तो देयर फोर बाय कॉसी रूट टेस्ट जो हमारा समीशन एन है वेरी फ्रॉम टू टू इन्फिनिटी जो समीशन ए एन क्या आएगा कन्वर्जेंट आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ द सीरीज। तो यहां पे स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट हमारा काम क्या है सबके सबसे पहले इसको जनरलाइज करना हमारी ए एन की वैल्यू फाइंड करनी। तो जब ए एन की वैल्यू यहां पे तो पैटर्न को देखते हुए हमारे पास क्या आ जाएगा एन प्लस वन टू दी पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन टू दी पावर एन प्लस वन माइनस एन प्लस वन ओवर एन होल टू दी पावर क्या आ जाएगा माइनस एन। तो सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है आपने क्या करना है ए एन क्योंकि जो प्रीवियस हमने जितनी भी सीरीज की थी वहां पे ए एन की वैल्यू गिवन थी लेकिन यहां पे ए एन की वैल्यू गिवन नहीं थी। तो क्योंकि पावर में अब ए एन में फैक्टर की पावर एन है तो क्या करेंगे रूट टेस्ट अब ट्राई करेंगे। तो जब ए एन की पावर वन बाय एन किया तो यहां पे हमारे पास आ गया एन प्लस वन ओवर एन टू दी पावर एन प्लस वन माइनस एन प्लस वन ओवर एन टू दी पावर माइनस वन क्योंकि जब एन रूट किया तो एन के साथ एन कैंसिल हो जाएगा हमारे पास क्या रह जाएगा पावर में माइनस वन। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास एन प्लस वन ओवर एन टू दी पावर एन एन इंटू एन प्लस वन ओवर एन माइनस एन प्लस वन ओवर एन होल टू दी पावर माइनस वन। तो विच कैन बी रिटन है वन प्लस वन ओवर एन टू दी पावर एन और वन प्लस वन ओवर एन माइनस वन प्लस वन ओवर एन टू दी पावर माइनस वन। तो ए एन टू दी पावर वन बाय एन जब लिमिट एन अप्रोचेस इन्फिनिटी किया तो यहां पे भी हमारे पास क्या आ गया लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो स्टूडेंट यहां पे तो वैल्यू क्या आ जाएगी ये तो आ जाएगा हमारा ए टू दी पावर वन दैट इज वन ये हमारे पास आ जाएगा वन प्लस जीरो वन माइनस यहां पे भी वन
तो विच इज इक्वल टू ई माइनस वन टू दी पावर माइनस वन विच इज इक्वल टू वन ओवर ई माइनस वन। जैसा कि हमें पता है कि ई की वैल्यू 2.7 समथिंग होती है, तो यहां पे डिनोमिनेटर में 1.7 समथिंग, तो जो हमारे पास एल की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, लेस देन वन, मीन्स ए एन टू दी पावर वन बाय एन लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी, जो हमारे पास वन ओवर ई माइनस वन आया विच इज लेस देन वन, तो देयर फोर बाय कॉशी रूट टेस्ट, देयर फोर बाय कॉशी रूट टेस्ट जो समेशन ए एन आएगा वो क्या आएगा, कन्वर्जेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ द सीरीज क्यू टू द पावर एन स्क्वायर इंटू आर टू द पावर एन। तो यहां पे हमारे पास ए एन की वैल्यू आई क्यू टू द पावर एन स्क्वायर आर टू द पावर एन। जैसे अब यहां पे जो ए एन है दैट इज इक्वल टू क्यू टू द पावर एन इंटू आर होल टू द पावर एन, के किसी फैक्टर की पावर एन आ रही है, तो हम सबसे पहले क्या ट्राई करेंगे, कॉशी रूट टेस्ट। तो जब ए एन की पावर वन बाय एन की आर दैट इज इक्वल टू आर इंटू क्यू टू दी पावर एन, तो स्टूडेंट जब लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करेंगे ए एन टू दी पावर वन बाय एन इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी आर इंटू क्यू टू दी पावर एन। तो अब ये जो लिमिट है ये किस पे डिपेंड कर रही है, आर और क्यू की वैल्यूज पे। तो ऐसे क्वेश्चन जहां पे आपको केस डिस्कस करने पड़े, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, या तो लिमिट लेस देन वन आ जाती थी या ग्रेटर देन वन आ जाती थी, लेकिन यहां पे हमें केस डिस्कस करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं क्यू की बात करूं, फर्स्ट केस मैं कंसीडर कर रहा हूं, फर्स्ट केस अगर क्यू की वैल्यू लेस देन वन है, जैसा कि हमें गिवन है कि क्यू की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो तो है, तो इट मीन जो क्यू है हमारा इट लाइज बिटवीन जीरो एंड वन, तो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी क्यू टू दी पावर एन क्या आ जाएगा, जीरो। तो अगर क्यू टू दी पावर एन जीरो आएगा फर्स्ट केस में, तो यहां पे हमारे पास लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन टू दी पावर वन बाय एन क्या आ जाएगा, जीरो। जीरो मीन्स लेस देन वन, तो अगर लेस देन वन है तो जो हमारी सीरीज होगी वो क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। जो गिवन सीरीज है वो क्या करेगी, कन्वर्जेंट होगी। कब, जब क्यू की वैल्यू लेस देन वन होगी। अब मैं नेक्स्ट केस डिस्कस कर रहा हूं, सेकंड केस। सेकंड केस में अगर क्यू की वैल्यू ग्रेटर देन वन है, अगर क्यू की वैल्यू ग्रेटर देन वन होगी तो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी क्यू टू दी पावर एन क्या आएगा, इन्फिनिटी। अगर ये इन्फिनिटी आ गया, अगर ये वाला इन्फिनिटी आ गया, तो देन लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन टू दी पावर वन बाय एन ये भी क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी, विच इज ग्रेटर देन वन। तो अगर ये ग्रेटर देन वन आ गया लिमिट हमारे पास एल की वैल्यू, तो समीशन ए एन क्या आ जाएगा, यूजिंग रूट टेस्ट ये हमारे पास आ जाएगा डाइवर्जेंट। अब थर्ड केस मैं डिस्कस करूंगा, थर्ड केस, केस नंबर थ्री। अगर थर्ड केस, अगर क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास, इक्वल टू वन, तो अगर क्यू की वैल्यू इक्वल टू वन है, तो अब जो गिवन सीरीज है हमारी ए एन, जो समीशन ए एन, वो क्या बन गई, समीशन आर टू दी पावर एन। तो स्टूडेंट जैसा कि हमने ज्योमेट्रिक सीरीज की एक वीडियो में किया था कि अगर एक्स टू दी पावर एन, ये हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रिक सीरीज विद कॉमन रेशियो एक्स, अगर तो एक्स की वैल्यू, अगर तो एक्स की वैल्यू लेस देन वन और ग्रेटर देन जीरो होगी, तो ये हमारे पास जो सीरीज होगी कन्वर्जेंट होगी। अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन वन होगी तो ये हमारे पास क्या आएगी, डाइवर्जेंट। तो अगर इस सीरीज को मैं इसके साथ कंपेयर करूं, तो ये हमारी ज्योमेट्रिक सीरीज है जहां पे कॉमन रेशियो इसकी क्या है, आर। तो यहां पे हमारे पास क्या आ गया, अगर तो आर की वैल्यू लेस देन वन होगी, ग्रेटर देन जीरो तो हमें गिवन है कि ग्रेटर देन जीरो तो है, ये तो हमें गिवन है, तो इट मीन्स आर की वैल्यू अगर जीरो से लेके वन के बीच में है, तो समीशन आर टू दी पावर एन ये हमारे पास क्या आएगा, कन्वर्जेंट होगा। अगर आर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू वन होगी तो समीशन आर टू दी पावर एन क्या आएगा, डाइवर्जेंट। तो इट मीन्स
जब Q की वैल्यू 1 है तो यहां पे भी दो सब केस बन गए कि अगर R की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो ये हमारी सीरीज कन्वर्जेंट होगी। इट मीन जो हमारी समीशन AN है ये क्या होगी, कन्वर्जेंट। और अगर R की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो समीशन AN हमारे पास क्या होगी, डाइवर्जेंट। तो अब समीशन AN कन्वर्जेंट कब कब होगी, एक जब Q की वैल्यू लेस देन 1 होगी और दूसरा जब Q की वैल्यू इक्वल टू 1 है लेकिन R की वैल्यू क्या है, लेस देन 1। और समीशन AN डाइवर्जेंट कब होगी, एक तो जब Q की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है और दूसरा जब Q की वैल्यू 1 के इक्वल है और R की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो उस केस में हमारी जो समीशन AN है वो क्या होगी, डाइवर्ज करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस दी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ दी सीरीज। यहां पे हमारे पास AN है जो दैट इज इक्वल टू x टू दी पावर n ओवर 3 टू दी पावर n इंटू n स्क्वायर। तो जब AN टू दी पावर 1 बाय n किया तो AN हमारे पास क्या है, 1 ओवर n स्क्वायर इंटू x ओवर 3 होल टू दी पावर n। जब AN टू दी पावर 1 बाय n किया, एक तो हमारे पास आ गया 1 ओवर n टू दी पावर 2 बाय n और ये हमारे पास क्या आ गया, x बाय 3। तो विच कैन बी रिटन एज n टू दी पावर 1 बाय n होल स्क्वायर इंटू x ओवर 3 एज लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी an टू दी पावर 1 बाय n इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 ओवर n टू दी पावर 1 बाय n होल स्क्वायर इंटू x ओवर 3। तो जैसा कि हमें पता है कि लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी n टू दी पावर 1 बाय n ये हमारे पास क्या होती है, इसकी वैल्यू 1। तो ये तो हमारे पास 1 का स्क्वायर किया 1 दैट इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, x ओवर 3। तो देयरफॉर बाय रूट टेस्ट, यहां पे भी हम क्या करेंगे, केस डिस्कस करेंगे। तो देयरफॉर बाय रूट टेस्ट अगर तो x बाय 3 लेस देन 1 होगा, अगर x बाय 3 लेस देन 1 होगा मींस अगर तो x की वैल्यू लेस देन 3 है तो जो गिवन सीरीज है हमारी ये क्या आएगी, कन्वर्ज करेगी। अगर x ओवर 3 ग्रेटर देन 1 होगा मींस x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 होगी तो जो हमारी an है वो क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। लेकिन अगर x की वैल्यू क्या है, 3 के इक्वल, अगर x की वैल्यू 3 के इक्वल है तो हम क्या करेंगे, गिवन सीरीज में सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू। तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 टू दी पावर n ओवर 3 टू दी पावर n इंटू n स्क्वायर मींस ये जो हमारी गिवन सीरीज आ गई दैट इज इक्वल टू समीशन 1 ओवर n स्क्वायर। तो इसको यूजिंग पी टेस्ट हमारे पास ये वाली सीरीज क्या है, कन्वर्ज कर रही है। क्यों, यहां पे p की वैल्यू क्या है, 2 विच इज ग्रेटर देन 1 एंड वी नो दैट इफ p इज ग्रेटर देन 1 देन समीशन 1 ओवर n टू दी पावर p ये हमारे पास क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी अगर p की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1। तो देयरफॉर हमारे पास जो जब x की वैल्यू 3 होगी तो जो गिवन सीरीज है ये क्या करेगी, कन्वर्ज। तो हमारे पास सीरीज ये वाली सीरीज कन्वर्ज कब करेगी, जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3 होगी, और डाइवर्ज कब करेगी, जब x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ दिस सीरीज। तो सबसे पहले हमने क्या करनी है, इसकी जनरल टर्म लिखनी है। तो विच इज इक्वल टू समीशन, ये हमारे पास आ गया n प्लस 1 टू दी पावर n डिवाइडेड बाय n टू दी पावर n प्लस 1 इंटू x टू दी पावर n। तो यहां पे हमारे पास an की वैल्यू क्या आ गई, n प्लस 1 टू दी पावर n ओवर n टू दी पावर n प्लस 1 इंटू x टू दी पावर n विच कैन बी रिटन एज n प्लस 1 टू दी पावर n डिवाइडेड बाय n टू दी पावर n इंटू x टू दी पावर n ओवर n। तो जब an टू दी पावर 1 बाय n किया तो ये हमारे पास आ गया n प्लस 1 ओवर n इंटू x ओवर n टू दी पावर 1 बाय n। सो एज लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी
एज लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन टू द पावर वन बाय एन, ये हमारे पास लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एन प्लस वन ओवर एन इंटू एक्स ओवर एन टू दी पावर वन बाय एन। जैसा कि हमें पता है इसकी वैल्यू भी वन आएगी और इसकी वैल्यू भी क्या आएगी वन, तो यहां पे हमारे पास क्या आ गया लिमिट क्या आ गई एक्स। तो देयर फोर बाय रूट टेस्ट बाय कॉची रूट टेस्ट, जैसा कि हमें पता है कि ए एन टू दी पावर वन बाय एन इज इक्वल टू एक्स, अगर तो लेस देन वन है तो ये हमारी सीरीज कन्वर्ज करेगी, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन वन है तो जो ये जो हमारी सीरीज है ये क्या करेगी डाइवर्ज करेगी। अब हमने जैसा कि हमें पता है कि अगर इक्वल टू वन होगी तो ये टेस्ट क्या हो जाता है फेल। तो जब x की वैल्यू वन आएगी तो x की वैल्यू हम गिवन सीरीज में पुट कर देंगे, तो गिवन सीरीज हमारे पास आ गई जब x की वैल्यू क्या है वन, तो विच इज एन प्लस वन ओवर एन टू दी पावर एन इंटू वन ओवर एन। यहां पे मैंने एक पावर सेपरेट कर ली, अब तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई ए एन की। नाउ अब मैं बी एन की वैल्यू कंसिडर कर रहा हूं वन बाय एन। तो जैसा कि हमें पता है कि समीशन बी एन समीशन वन ओवर एन यूजिंग पी टेस्ट, समीशन बी एन हमारे पास क्या आएगा डाइवर्ज करेगा। तो वैल्यू कंसिडर, अब हम लिमिट कंसिडर करेंगे ए एन ओवर बी एन की। नाउ लिमिट एन अप्रोचेस इन्फिनिटी ए एन ओवर बी एन, ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट एन अप्रोचेस इन्फिनिटी, जब ए एन ओवर बी एन किया तो ये हमारे पास आ गया एन प्लस वन ओवर एन टू दी पावर एन, तो विच इज लिमिट एन अप्रोचेस इन्फिनिटी वन प्लस वन ओवर एन टू दी पावर एन, तो विच इज इक्वल टू ई विच इज नॉन जीरो फाइनाइट नंबर। ये जो हमारे पास लिमिट आई है दैट इज नॉन जीरो फाइनाइट नंबर। तो जैसा कि हमें पता है यूजिंग कंपैरिजन टेस्ट समीशन ए एन एंड समीशन बी एन बोथ बिहेव्स अलाइक, तो जैसा कि समीशन बी एन हमारे पास डाइवर्जेंट है इस केस में, तो समीशन ए एन भी क्या करेगी डाइवर्ज करेगी। तो इट मीन जो हमारे पास कंक्लूजन आ रहा है, तो हमारी जो गिवन सीरीज है ये कन्वर्ज कब करेगी, ये कन्वर्जेंट होगी अगर x की वैल्यू लेस देन वन है, और अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू वन है तो हमारी जो गिवन सीरीज है ये क्या कर रही है डाइवर्ज। स्टूडेंट अगर आपको कोई क्वेश्चन डाउट कोई क्वेरी हो देन यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो।